घर को बनाना है खास तो चले आइए कोयल पेंट के पास। दीपावली पर दीवारों को सजाना है, कमरों को आकर्षित बनाना है, घर में मेहमान आए तो बोले कहाँ से कराया पेंट, कौन सा पेंट, कैसे चमक रही है दीवारें, वाह क्या खूबसूरत वॉलपेपर है, ये कर्टन कहाँ से लाए हो। ग्राहकों के लिए विश्वास का दूसरा नाम बन चुके कोयल पेंट ने 40 सालों में लाखों घर सजाए हैं, वो भी काफी कम दामों पर। तो जल्दी करें और सीधे चले आए कोयल पेंट, सुल्तानगंज के पुलिया बाईपास रोड आगरा पर। निदेशक मुरारी लाल कोयल, मोबाइल नंबर 9897135351। संगठन को मजबूत किया जाए और सब लोगों की राय मशवरे से जिला, ये नगर पालिका और ये आपका महानगर में सभासद का, मेयर का, इन सब के बारे में भी बातचीत हो जाए, जिससे पार्टी पूरी तरह तैयारी के साथ अपना चुनाव लड़े और यहाँ पर चुनाव जीते। सर आज एक बार फिर लखनऊ में जो मेट्रो का, ये तो आप लोग जानते हैं, इनके पास तो दिमाग सारी स्कीम नाम बदल रहे हैं, तो भाई इतना मेट्रो पर रहम क्यों किया आपने, इन्हें तो शर्म आना चाहिए, इन्हें उद्घाटन करने नहीं जाना चाहिए, इन्हें तो माननीय अखिलेश यादव जी को बुलाना चाहिए था, चीफ गेस्ट बनाना चाहिए था कि आपका इतना अच्छा दिमाग है, आपने खूबसूरत मेट्रो उत्तर प्रदेश में आप लाए हैं, इसका उद्घाटन के हकदार आप ही। आपने खुद देखा है कि अभी औरैया में क्या हुआ, हर जिले में फर्जी मुकदमे कायम हो रहे हैं और समाजवादी पार्टी की तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं, इससे डर के और ये लोग मुकदमे खुलवा रहे हैं और जुलम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हरी जी, सज्जन कर्मूर मंत्री जी, श्री अताउर रहमान साहब, उन्होंने यह समीक्षा की और यहाँ कार्यकर्ता माननीय अखिलेश यादव जी की आस्था में अपने जीवन को पूरी तरीके से फना करने के लिए तैयार है, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी की नीति और आगरा में हमारे पास कोई सांसद और विधायक ना होने के बावजूद आगरा में जिस तरीके का विकास हुआ आगरा की जनता जानती है, आज आगरा की जनता अपने आप को कोस रही है कि हमने समाजवादी पार्टी को यहाँ से जिता क्यों नहीं भेजा, और आगे आने वाले नगर निगम के चुनाव के अंदर जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ तैयारी की है, हम निश्चित रूप से यहाँ मेयर का चुनाव भी जिताएंगे और अपने सारे सभासद भी जिताएंगे, क्योंकि आगरा के अंदर इतना सारा जुल्म हुआ है, जो आगरा में थाने में घुसकर जिन लोगों ने जलाने का काम किया, आगरा का पर्यटक उद्योग उजाड़ने का काम इन भगवाधारियों ने किया, इसके लिए आगरा की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी के साथ ही आज कार्यकर्ताओं का सम्मेलन के अंदर जो हजूम उमड़ा वो आप सब लोग देख रहे हैं, और माननीय अखिलेश यादव जी में आस्था जताकर और सारे लोग इकट्ठा होकर समाजवादी पार्टी के अलग को जलाएंगे और इंशाल्लाह आने वाले कल के अंदर हम जीत हासिल करेंगे। सोच रहे थे कि बीजेपी सत्ता आ रही है,
आज सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन था जो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए, इससे इस चीज़ का आह्वान हो गया है कि जो बेमानों की और झूठों की सरकार इस समय उत्तर प्रदेश में चल रही है, उस सरकार को जल्द ही जनता शांति से बैठी हुई, व्यापारी शांति से बैठे हुए हैं, किसान शांति से बैठे हुए, इसलिए बैठे हुए हैं कि कहीं कोई हमने एक्शन ले लिया तो कहीं हमारे ऊपर कोई कार्रवाई ना कर दी जाए। लेकिन आने वाले चुनाव में 2019 में यही सभी नौजवान, किसान, मजदूर इन लोगों को बाहर उखाड़ने के काम करेंगे, क्योंकि आज के टाइम पर उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई विकल्प अगर जनता के पास कोई है और जनता किसी को अगर अपना तेजी समझ रही तो वह माननीय अखिलेश यादव है। बहुत जल्द ही आगरा में राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है जिसके अंदर भी नौजवान, उसे मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि नौजवान ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आके समाजवादी पार्टी को मजबूत करें। आज का जो सम्मेलन कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है बहुत ही सफल सम्मेलन था, सब लोगों ने देखा, सब लोग ये जान रहे हैं कि भाजपा की सरकार सिर्फ झूठों का पुलिंदा है और कुछ नहीं है, और आगे आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ श्री अखिलेश यादव जी का है। देश ही नहीं पूरे प्रदेश की जनता भी अखिलेश यादव जी को आज भी अपना मुख्यमंत्री मानती है, भले ही वो पूर्व हो गए लेकिन आज भी वो मानती है, क्योंकि इतने काम उन्होंने कराए हैं, इतने काम योगी क्या कोई नहीं कर सकता।